टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी आए दिन सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहते हैं। ये बात अलग है कि कैफ ज्यादातर नेगेटिव वजहों से सुर्खियों में रहते हैं और अक्सर कट्टरपंथी उनको अपने निशाने पर लेते रहते हैं। एक बार फिर से मोहम्मद कैफ कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। जी हां, इस बार विवाद बना है शतरंज का खेल, क्योंकि कट्टरपंथियों का मानना है कि शतरंज का खेल इस्लाम में हराम है। और हाल ही में कैफ ने अपने फेसबुक पर अपने बेटे के साथ शतरंज खेलते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है। उनकी इस तस्वीर को कट्टरपंथियों ने निशाने पर ले लिया है और कट्टरपंथी उन्हें सलाह दे रहे हैं कि उन्हें शतरंज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शतरंज इस्लाम में हराम है। पठान आसिफ खान नाम के एक यूजर ने उनके फोटो पर कमेंट किया, मुझे लगता है कि शतरंज खेलना इस्लाम में हराम है। मैं भी शतरंज का अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन जब मैंने हदीस पढ़ा तो पाया कि शतरंज नहीं खेलना चाहिए। कैफ सर, उस दिन से मैंने शतरंज नहीं खेला। इस यूजर के कमेंट के बाद कई लोगों ने इसको आड़े हाथों लिया है। लोगों ने इस यूजर को खूब खरी खोटी सुनाई, वहीं कुछ ने इसको सपोर्ट भी किया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।